गंगा नदी के किनारे एक गांव था चंद्रनगर, खूब बड़ा, सुखी और संपन्न। लेकिन इस साल वहां भयानक बाढ़ आई और देखते देखते सब कुछ पानी पानी हो गया। एक दिन मुखिया चंद्रसेन अपने मुनीम के साथ गांव का दौरा करने निकले। कल तक हमारा गांव बेहद संपन्न और खुशहाल हुआ करता था। हाँ मुखिया जी, कहा जाता है कि हमारे गांव में राम राज्य है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। कोई उपाय तो करना ही होगा। हाँ मुखिया जी, लगता है किसी बड़े तांत्रिक से पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। तुम किसी बड़े तांत्रिक का पता लगाओ और जो उचित समझो पूजा पाठ करवा लो। जी मुखिया जी। प्रणाम मुखिया जी, मैंने आपके गांव पर आए संकट के बारे में सुना। आपके राज्य पर वरुण देव की वक्र दृष्टि है, यज्ञ के बाद सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद महात्मन, जितना धन आप चाहें ग्राम विकास समिति से ले सकते हैं। जी धन्यवाद। उस महात्मा ने कुछ और साथियों को बुलाया, खूब पूजा पाठ किया, पर न कुछ होना था न हुआ। इस बार फिर बाढ़ आई, पहले से भी भयानक। मुखिया जी, इस बार तो गांव वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हाँ मुनिम जी, पूजा पाठ हवन बलि सब व्यर्थ हुआ। अब तो भगवान ही कोई हल निकाल सकता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं रमन, शहर से यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने आपकी गांव की समस्या के बारे में सुना, मैं एक साप्ताहिक अनुष्ठान के द्वारा उस समस्या को हल कर सकता हूँ। और यदि न कर पाए तो? तो आप बेशक मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, मुझे स्वीकार होगा। आप चाहे तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ। मुखिया जी, युवक होशियार जान पड़ता है, हमें एक बार इसे मौका अवश्य देना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस अनुष्ठान के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? इसके लिए मुझे सात दिनों तक एक नाव, एक मल्ला और 10,000 सिक्के चाहिए होंगे। ठीक है मुनिम जी, ये सब इन्हें दिया जाए। जी मुखिया जी। दूसरे दिन नदी किनारे जाकर कुछ पूजा पाठ करके रमन ने वो सिक्के नाव में रखे और कहा, नाव उस पार ले चलो। मल्ला ने जैसे ही नाव खींचना शुरू किया, रमन ने बोरी में से मुट्ठी भरकर सिक्के लेकर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने थोड़ी देर तो तमाशा देखा। अरे ये तो कोई पागल लगता है। हमें इससे क्या, हमें तो सिक्के निकालने जाना है ना। और फिर कुछ लोग सिक्के उठाने नदी में कूद पड़े। निकलते समय उनके हाथ में सिक्कों के साथ मिट्टी, पन्नी और कचरा आ गया, जिसे वो किनारे पर जमा करने लगे। दूसरे दिन सिक्के निकालने वालों की भीड़ और बढ़ गई। लोग कई तरीके आजमाने लगे। चलो हम डलिया लेकर नदी में उतरते हैं और किनारे पर लाकर कचरे में से सिक्के छांट लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, तुम लोग नदी में डलिया भरकर दो, इधर हम लोग उसमें से सिक्के निकालेंगे, बाद में बंटवारा कर लेंगे। बात जंगल की आग की तरह आसपास के गांव में भी फैल गई कि एक पागल नदी में सिक्के फेंक रहा है। लोगों ने अलग अलग टोलियां बनाकर गंगा नदी से सिक्के निकालने का काम शुरू कर दिया। कुछ लोग अंदर जाकर गोता लगाकर डलिया में तलहटी की मिट्टी लाते, सिक्के निकालकर मिट्टी किनारे जमा कर देते। ते ही देखते नदी का गहरीकरण हो गया और किनारों पर कचरे का ढेर लग गया, जिसमें पन्नी, कचरा, लकड़ी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां और भी कई अपशिष्ट पदार्थ जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो सब थे। देखते ही देखते गंगा के दोनों घाट पर कचरे का अंबार लग गया। 7 दिन होते होते नदी पूरी तरह से साफ सुथरी हो गई। मुखिया जी, अनुष्ठान संपन्न हुआ। किंतु जब तक चौमासा नहीं बीत जाता, तुम्हें हमारे गांव में ही मेहमान बनकर रहना होगा। यदि बाढ़ नहीं आई तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा, और यदि बाढ़ आई तो मृत्यु दंड। जी मुखिया जी। अब गंगा नदी पूरी तरह से स्वच्छ हो गई।
पूरे राज्य के लोगों को इस साल बरसात का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार पानी बरसा। पिछले कुछ बरसों के हिसाब से बहुत अधिक वर्षा हुई, लेकिन बाढ़ नहीं आई। हर तरफ उत्साह मनाया जा रहा था। मुखिया जी, अब मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। जरूर, ये हमारी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद मुखिया जी। हम आपको नहीं जाने देंगे। आप हमारे लिए भगवान का अवतार हैं। अरे, आप ही के कारण इस बार फसल हमारे घरों तक पहुंच पाई। रमन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई सिद्ध पुरुष या महात्मा नहीं हूँ। जो सिक्के मैंने नदी में फेंके वे अभिमंत्रित नहीं थे और ना ही मैंने कोई अनुष्ठान किया था। तुम लोग कई बरसों से गंगा नदी में अपशिष्ट पदार्थ, बरसाती प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान, पॉलीथीन उसमें प्रवाहित करते रहे, जिससे कि कचरा जमा होता गया और नदी उथली होती गई, जो कि बरसात का पानी अपने अंदर समाने में असमर्थ हो गई और बरसात होने पर वो बाढ़ का रूप ले लेती। लोगों की समझ में आ चुका था कि ये सब उन्हीं की गलती का नतीजा था और उन्होंने रमन को प्रेम और सम्मान के साथ विदा किया।